नमस्कार, गवर्नमेंट कॉलेज अनंता के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी छद्म बल के बारे में। छद्म बल को अब हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। छद्म बल वो बल होते हैं जो किसी कण पर वास्तविक रूप से लगे हुए नहीं होते, परंतु निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण लगे हुए प्रतीत होते हैं। इसके लिए हमने एक बस का और पेड़ पौधों का एग्जाम्पल भी लिया था। यहां पर हम थोड़ा सा और व्यवहारिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे व्यवहारिक इसका उदाहरण है वो है लिफ्ट का। मान लीजिए हमारे पास एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट में कोई इंसान बैठा हुआ है। अब कोई इंसान उसके अंदर बैठा हुआ है तो उस पर जो लगने वाला वास्तविक बल है वो है उसका भार, जो कि सदैव नीचे की ओर लग रहा है, जिससे मैंने यहाँ पर F real equal to mg द्वारा प्रदर्शित किया है। यह लिफ्ट के अंदर या लिफ्ट के निर्देश तंत्र में बैठे हुए इंसान का वास्तविक भार है और ये उस लिफ्ट रूपी निर्देश तंत्र में लगने वाला वास्तविक बल है, रियल फोर्स है। मान लीजिए लिफ्ट A0 त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है। अब यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रही है तो जो अंदर बैठा हुआ इंसान है वो नीचे की तरफ या उस पर नीचे की तरफ एक छद्म बल लगता हुआ प्रतीत होगा, जिसे हमने FA द्वारा प्रदर्शित किया गया है। FA = MA0। यहां पर त्वरण का मान एग्जैक्टली उस त्वरण के बराबर होगा जो लिफ्ट ऊपर की ओर प्राप्त कर रही है। ऊपर की ओर यदि लिफ्ट A0 त्वरण प्राप्त कर रही है तो इंसान पर नीचे की ओर लगने वाला त्वरण भी A0 होगा, परंतु दिशा जो है वो विपरीत हो जाएगी। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो इंसान पर लगने वाला जो त्वरण है वो बिल्कुल नीचे की ओर होगा। नीचे की ओर यदि त्वरण प्राप्त कर रहा है तो उसके कारण छद्म बल का मान हो जाएगा FA = MA0। देखिए A0 की दिशा भी नीचे की ओर है और व्यक्ति का भार mg भी नीचे की ओर है। दोनों बलों की दिशा एक ही दिशा में अर्थात नीचे की ओर है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति पर लगने वाले कुल बल का मान दोनों प्रकार के बलों के योग के बराबर होगा, अर्थात F = FR + F0 = MG + MA0। MG है व्यक्ति का भार और MA0 है उस व्यक्ति पर लगने वाला छद्म या आभासी बल। अब व्यक्ति पर लगने वाले कुल बल का मान तो उसके भार से भी ज्यादा हो गया। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के भार में वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार यदि कोई लिफ्ट ऊपर की ओर गति करती है तो उसमें बैठे हुए किसी व्यक्ति को अपना भार सदैव बड़ा हुआ प्रतीत होगा और ऐसा व्यवहारिक होता ही है। जब हम लिफ्ट में बैठे हुए होते हैं और लिफ्ट ऊपर की ओर गति करती है तो हमें सदैव हमारे भार में वृद्धि प्रतीत होती है, जिसका कारण है हमारे ऊपर लिफ्ट की त्वरित गति के कारण लगने वाला छद्म या आभासी बल होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि यदि लिफ्ट नीचे की ओर गति करती है, मान लीजिए हमने का जो त्वरण है उसकी दिशा जो है वो नीचे ले ली, A0 का मान नीचे की ओर ले लिया। अब जो कि लिफ्ट के अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसका वास्तविक भार वो तो सदैव नीचे की ओर होगा, गुरुत्वाकर्षण की दिशा सदैव पृथ्वी की ओर होती है। तो उस व्यक्ति पर लगने वाला जो भार है, जो भी एक प्रकार का बल है, उसका मान तो होगा FR = MG जो कि नीचे की ओर है, परंतु जो कि लिफ्ट नीचे की ओर गति कर रही है तो उस पर लगने वाला जो आभासी बल है उसकी दिशा ऊपर की ओर हो जाएगी। त्वरित लिफ्ट की त्वरित गति के कारण जो वास्तविक जो गति है लिफ्ट की वो है नीचे की ओर, और इस लिफ्ट की नीचे की ओर गति के कारण नीचे की ओर की गति के कारण लिफ्ट के अंदर बैठे हुए किसी इंसान पर लगने वाला छद्म बल ऊपर की ओर हो जाए।
अब यहां पर छद्म बल की दिशा तो है ऊपर की ऊपर की ओर, तथा व्यक्ति के भार की दिशा जो कि सदैव नीचे की ओर होती है। दोनों बल एक दूसरे के विपरीत प्रदर्शित है। यदि विपरीत प्रदर्शित हैं तो कुल बल का मान एफ इक्वल टू एफ आर माइनस एफ ए हो जाएगा, और इस प्रकार जो समीकरण हमें प्राप्त होगी कुल बल की वो हो जाएगी एम जी माइनस एम ए जीरो। यहां देखिए व्यक्ति पर लगने वाले कुल बल का मान उसके भार से भी कम हो गया, क्योंकि एम ए जीरो उसमें से घटाया गया है। अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कुछ कमी प्रतीत होने लगती है, कुछ कमी प्रतीत होने लगती है। अर्थात यदि हम किसी लिफ्ट में बैठे हैं और वो लिफ्ट नीचे की ओर गति कर रही है, तो नीचे की ओर लिफ्ट की त्वरित गति के कारण हमें अपने भार में सदैव एक कमी प्रतीत होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? लिफ्ट की त्वरित गति के कारण हमारे ऊपर लिफ्ट की गति के विपरीत दिशा में लगने वाले छद्म बल के कारण हमारे भार में हमें सदैव कुछ कमी महसूस होती है, कुछ कमी प्रतीत होती है। अब अगर वो लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिरने लगे, मान लीजिए कि लिफ्ट में हम सफर कर रहे थे, ऊपर से नीचे आ रहे थे, और रास्ते में उसका वायर टूट गया। टूटते ही क्या होगा, लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरेगी, और हम जानते हैं कि यदि कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है वो गुरुत्वीय त्वरण से गिरती है। उसका त्वरण का मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण के मान के बराबर। तो अब लिफ्ट जी त्वरण से पृथ्वी की ओर गिर रही है, अर्थात जी त्वरण जो कि पृथ्वी की ओर लग रहा है, लिफ्ट के अंदर बैठे हुए व्यक्ति पर वही त्वरण छद्म त्वरण के रूप में ऊपर की ओर लगेगा। अब लिफ्ट के अंदर बैठे हुए व्यक्ति पर जो छद्म त्वरण है वो कितना लग रहा है? जी। और किस दिशा में? लिफ्ट की गति के विपरीत, अर्थात ऊपर की दिशा में। अब व्यक्ति पर लगने वाला छद्म बल कितना हो गया? एफ जीरो इक्वल टू एम जी, और इसकी दिशा है पृथ्वी से ऊपर की ओर। लोग के अनुसार हम ये जानते ही हैं कि भार सदैव पृथ्वी की ओर होता है, जिसको हम वास्तविक बल मान रहे हैं। तो व्यक्ति का जो भार है उसका मान एफ आर वो तो सदैव पृथ्वी की ओर होगा ही सही। तो फिर यदि हम व्यक्ति पर लगने वाले कुल बल का मान याद करें तो एम जी जो कि वास्तविक बल है वो है नीचे की ओर, तथा एम जी जो कि है छद्म बल वो है लिफ्ट की गति की दिशा के विपरीत, अर्थात पृथ्वी से विपरीत दिशा में। तो एम जी माइनस एम जी इक्वल टू जीरो। और इस स्थिति में लिफ्ट के अंदर बैठे हुए इंसान पर किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं लग रहा, कुल बल का मान शून्य हो गया, अर्थात व्यक्ति को उस समय कोई बल महसूस नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं लग रहा है, उसका भार जो है उस छद्म बल से संतुलित हो चुका है, अर्थात वह व्यक्ति अपना भार महसूस नहीं करेगा, और यह स्थिति कहलाती है भारहीनता। हम कह सकते हैं कि यदि लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है तो छद्म बल के कारण व्यक्ति को, उसके अंदर बैठे हुए किसी व्यक्ति को भारहीनता महसूस होगी।